हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर और सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। भारत के उत्तर में मौजूद होने के कारण इस राज्य को नॉर्थ प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जो इस राज्य का आधिकारिक नाम भी है। ये राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ सीमाएं साझा करता है। इस राज्य से हमारे पड़ोसी देश नेपाल की भी सीमाएं लगती हैं। आजादी से पहले इस राज्य में कई सारे छोटे छोटे साम्राज्य मौजूद थे, जिन्हें यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जिसका शॉर्ट फॉर्म यूपी होता है। लेकिन आज के समय यूपी को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रोविंस है। आज के समय इसमें 18 डिवीजन और 75 जिले मौजूद हैं, जिनमें लखनऊ को इस विशाल राज्य की राजधानी का तमगा हासिल है। वहीं प्रयागराज को इस राज्य की जुडिशियल कैपिटल भी कहा जाता है। इस राज्य की 82% भूमि पर खेती की जाती है, 6% जमीन पर जंगल मौजूद है और बाकी बची जमीन पर यहाँ के गाँव और शहर बसे हुए हैं। इस राज्य में राज्यसभा की 31 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें मौजूद हैं। ये राज्य क्षेत्रफल के मामले में भी बहुत बड़ा है। ये राज्य 241,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो इसे एरिया के हिसाब से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। देखा जाए तो ये राज्य भारत पर सैकड़ों साल राज करने वाले देश इंग्लैंड से भी बड़ा है। 2011 में इसकी जनसंख्या 200 मिलियन यानी 20 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो 2022 में अनुमानित 24 करोड़ हो चुकी है। इस राज्य की जनसंख्या को क्षेत्रफल के हिसाब से बांटा जाए तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व बनता है। 2020-21 में इस राज्य की जीडीपी लगभग 17 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी। वही पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो $820 प्रति व्यक्ति हुआ करता था। जैसा कि हमने बताया, इस राज्य की सीमाएं ढेर सारे राज्यों से मिलती हैं, जिस वजह से इस राज्य में ढेर सारी एथनिसिटी के लोग भी रहते हैं, जो कई तरह की भाषाएं बोलते हैं। हिंदी और उर्दू इस राज्य की ऑफिशियल भाषाएं हैं। इस राज्य की करीब 67% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। वही सेक्स रेशियो की बात करें तो इस राज्य में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में ढेर सारे हिंदू मंदिर और महत्वपूर्ण शहर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश को ही भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। आगरा, कुशीनगर, वृंदावन, प्रयागराज और वाराणसी वो शहर हैं जिनका हिंदू और बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा महत्व है। यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर आबादी खेतों में काम करती है। ऐसा होते हुए भी ये राज्य भारत के महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी रखता है। हमारे देश के 19% अनाज इसी राज्य में उगाए जाते हैं, जो भारत जैसे बड़े देश की जनसंख्या का पेट भरने के लिए बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा गन्ना इस राज्य की कमर्शियल फसल मानी जाती है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अधिक गन्ना उगाने वाला राज्य है। एक डेटा के अनुसार भारत में हर साल 28 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 10 मिलियन टन महाराष्ट्र में और 7 मिलियन टन चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर इंडस्ट्रीज भी कानपुर, पूर्वांचल क्षेत्र और नोएडा में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस राज्य की कमाई दूसरे राज्यों से भी होती है। इस राज्य से करीब 14 मिलियन यानी 1,40,00,000 लोग उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में जाकर काम करते हैं और वापस पैसा कमाकर उत्तर प्रदेश में लौटते हैं। टूरिज्म के मामले में भी उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा पैसे कमाता है। सबसे बड़ा हिस्सा इसमें रिलीजियस टूरिज्म का होता है। बनारस जैसे शहरों में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, जिनमें लाखों टूरिस्ट विदेशों से आने वाले भी होते हैं। कुल मिलाकर ये राज्य भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि ये राज्य भारत को इकोनॉमिक, कल्चरल अपीयरेंस और पॉलिटिक्स के हर एस्पेक्ट में प्रभावित करता है। अगर आप भी इस वीडियो से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि अगला वीडियो आपके शहर के बारे में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस।